सब्सक्राइब करें सीजीपीएससी अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजित कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कल मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था अपने चैनल में जिसमें आपसे पूछा था कि आपके जो भी प्रश्न है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने पीछे मेंशन भी किया हुआ था कि देखिए इसमें कुछ कुछ ऐसे नोट्स हैं, इस पर आप प्रश्न मत पूछिएगा, इसके अलावा आपको जो प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे छात्रों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं मुझे अलग अलग एग्जाम से, तो उस पर जो हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न है इसे हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है ये फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलिए एक साथ हम उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न है ये पूछा गया है आदित्य सिंह के द्वारा, साथ ही साथ इसे जो है रजनीश कुमार जी ने भी पूछा है। देखिए पहला प्रश्न है कि फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम जो है ये रिटर्न होगा या फिजिकल होगा। तो देखिए अभी का जो पैटर्न है उसके अनुसार जो है यहाँ पे रिटर्न का कोई बात ही नहीं है, फिजिकल होता है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रारंभिक स्टेज जो है आपको याद रखिए यहाँ पे कि आप 12वीं में जितना अधिक परसेंटेज स्कोर करते हैं उसके आधार पर जो है आपको पहला कॉल आता है। तो देखिए 12वीं का परसेंटेज यहाँ पे मैटर करता है, तो यहाँ पे रिटर्न का कोई खेल नहीं है। लेकिन अभी जैसी बात चल रही है, देखिए अभी जो चर्चा में है कि बहुत सारे छात्र जो है डिमांड कर रहे हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम है रखा जाए और फॉर्म जो है फिलिंग का सबको मौका दिया जाए। तो देखिए अगर वैसा होता है तो पहले आपका रिटर्न होगा और उसके पश्चात जो है आपका फिजिकल होगा। चलिए दोस्तों, इसी में जो है आप दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये पूछा गया है रजनीश कुमार जी के द्वारा कि देखिए फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में आई विजन टेस्ट और नी नॉक टेस्ट होते हैं क्या। तो देखिए एज पर नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए आई विजन टेस्ट की जो आप बात कर रहे हैं, नोटिफिकेशन में आप देखे होंगे इसमें क्लियर कट मेंशन है कि आंखों की दृष्टि एवं आंखों की जो अन्य जांच है इसे छोड़कर आपका जो बाकी जितना भी यहाँ पे जांच की जाती है समस्त की जाएगी। यानी कि देखिए आंख वाला जो प्रॉब्लम है उसमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप मान के चलिए अगर आपका नी नॉक हो रहा है तो उसके लिए आप जो है छट सकते हैं। क्लियर कट मतलब ये निकलता है कि देखिए आंखों की जो आई विजन टेस्ट बोल रहे हैं आप, ये तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकंडली जो पूछे थे नी नॉक टेस्ट जो बोल रहे हैं ये आपके ऑफकोर्स होगा यहाँ पे, तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा इसे। चलिए दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड में जो तीसरा प्रश्न है इसे हम देख लेते हैं। देखिए ये पूछे हैं देव शोरी जी ने। देखिए यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि सर स्पोर्ट्स वाला जो सर्टिफिकेट है ये भी यहाँ पे क्या काम आ जाएगा, इन्होंने शायद एथलेटिक्स में 100 मीटर जो है इसमें गोल्ड जीता हुआ है। तो उत्तर के रूप में बता दूं भाई, देखिए यहाँ पे जो है आपने जो गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर रेस में, तो देखिए ये अगर राष्ट्रीय लेवल का आपका जो है सर्टिफिकेट है, यानी कि कॉम्पिटिशन अगर राष्ट्रीय लेवल का है और अगर आपने उसमें जो है ये गोल्ड जीता हुआ है तो ये आपके लिए मान्य होगा, यानी कि ये आपके यहाँ पे जो है फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में काम आएगा बोनस के रूप में। बाकी अगर आपने जो है उससे लो लेवल के किसी कंपटीशन में ऐसा कुछ मेडल जीता है तो फिर वो कोई काम का नहीं है यहाँ पे फिलहाल के रूप में, तो देखिए ये आप देख लीजिएगा अपने। अब दोस्तों जो है व्यापम से रिलेटेड बहुत सारे भाइयों ने जो है बहुत सारे साथियों ने मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, इसे हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है वो पीएस ने पूछा है यहाँ पे। देखिए आरआई का पोस्ट जिले वाइज रहता है या स्टेट वाइज, तो मैं आपको बता दूं आरआई का जो पोस्ट है ये स्टेट वाइज रहता है। आपकी जो मेरिट लिस्ट जारी होगी यानी कि फाइनल जो आपका रिजल्ट जारी होगा उसमें रैंकिंग भी आपकी स्टेट वाइज होगी, ना कि आपके जिले वाइज। जिले वाइज जो है सिर्फ पटवारी में होता है, यानी कि आप जिस जिले से होते हैं वहां पे जो है उन कैंडिडेट के बीच में आपका कॉम्पिटिशन होता है और उनके आधार पर जो है आपकी रैंकिंग जारी होती है। व्यापम में ही जो है देखिए दूसरा प्रश्न जो पूछा है, देखिए यहाँ पे चंदन मंडावी जी ने, देखिए यहाँ पे पूछा उन्होंने सर 2021 में सहायक सम परीक्षक की वैकेंसी आने के चांसेस है क्या। साथ ही साथ ऐसे ही कुछ और प्रश्न पूछे हैं। देखिए यहाँ पे सेठ ध्रुव जी ने, इन्होंने पूछा है यहाँ पे कि सर हॉस्टल वार्डन और मंडी निरीक्षक जो है के भी जो है पद इनके आ सकते हैं क्या। और साथ ही साथ देखिए संदेश बाग जी ने भी यहाँ पे पूछा है कि इस साल कौन कौन सी भर्तियां हो सकती हैं। देखिए अभी मैं बता दूं आपको, जो सीजी व्यापम है इसमें मोस्ट अवॉइडेड जो पद है उनमें से देखिए हॉस्टल वार्डन है, दूसरा पटवारी का एग्जाम है, आरआई है, मंडी निरीक्षक है, तो ये सब सारे पद जो है ये अभी आने वाले हैं या बहुत जल्द आ सकते हैं इस कैटेगरी में है। देखिए थोड़ा सा वेट करिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है समस्त पदों के लिए वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों सीजी व्यापम में जो है एक और प्रश्न यहाँ पे आया है। देखिए पटवारी के कितने पोस्ट निकल सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है पहले वीडियो में 250 पद जो है यहाँ पे लगभग जो है आने के चांसेस हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए 250 फिलहाल मान के चलिए और अपनी तैयारी उस हिसाब से रखिएगा।
जिला अगर आप पूछते हैं तो जिला भी कोई स्पेसिफाइड नहीं है, कोई बता नहीं सकता आपको कि कौन कौन से जिलों से निकलेंगे, लेकिन पद आएंगे 250, इतना भी हम मान के चलिए। इससे ज्यादा हो सकते हैं, मैं इसमें नकार नहीं सकता, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद देखिए जो सीजीपीएससी से रिलेटेड कुछ प्रश्न आए हैं, इनमें से देखिए पहला प्रश्न जो है ये पूछा है मधुरिमा दुबे जी ने पूछा है। देखिए इनका प्रश्न है कि सीजीपीएससी के जो रिजल्ट है सीजीपीएससी प्री 2021 इसके कब तक आने के चांसेस है। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे जो आपके रिजल्ट्स हैं सीजीपीएससी प्री 2021 नहीं है, 2020 है एक्चुअली। इसका रिजल्ट जो है देखिए प्रीलिम्स का अप्रैल में जो है किसी भी समय आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड या थर्ड वीक में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसके बाद देखिए सीजीपीएससी में जो दूसरा प्रश्न आया हुआ है, देखिए यहाँ पे पूछा है इसे शिवम पाल ने और इन्हीं के साथ साथ जो है बबीता नायक जी ने इस प्रश्न को पूछा है। ये देखिए एसीएफ का एग्जाम जो होगा ये और टलेगा आगे या इसमें जो है बहुत सारी अफवाहें मार्केट में फैली हुई हैं। देखिए इसमें हम लोग लगे रहें यानी कि तैयारी करते रहें या मतलब इसमें आगे ना बढ़े, कुछ सुझाव दे, ऐसा कुछ इन्होंने कहा है। इसके उत्तर के रूप में बता दूं कि देखिए आप लोगों ने जब से भी तैयारी शुरू की होगी आप लोग देखे होंगे कि कंटिन्यू जो है कोई भी एग्जाम आने को होता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे अफवाहें फैल जाती हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं कि इन अफवाहों को बिलीव करके आप अपनी तैयारी छोड़ दें कि आगे बढ़ें? देखिए अगर आप मेरा सुझाव चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि इन अफवाहों से दूर रहें, चुपचाप अपनी पढ़ाई करते रहें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर आप देखिए अभी स्टार्टर हैं यानी कि अभी भी स्टार्ट किए इस फील्ड में तो चलिए ठीक है, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के प्राइवेट सेक्टर के लिए ऑप्शन बना सकते हैं अपना। लेकिन जिन्होंने अपने बहुत सारा समय दे दिया है तो उनके पास क्या ऑप्शन है? तो देखिए तैयारी के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं बचते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा अपना माइंड जो है इधर उधर डाइवर्ट ना करते हुए चुपचाप अपनी तैयारी करते रहें। एग्जाम आज नहीं तो कल होगा ही होगा, और यहां वहां के जो सोशल मीडिया में अफवाह फैले रहते हैं उन पर ज्यादा बिलीव ना करें। देखिए दोस्तों मैंने आपको जो है बहुत बार बोल चुका है, मेरे पुराने वीडियोज में भी देखेंगे मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि देखिए इस लाइन में जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की लाइन में आपको आगे बढ़ाने वाले जो है बहुत कम मिलते हैं, पीछे खींचने वाले जो है बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो ये जो अफवाह फैलाते हैं ये उन्हीं में से है, या आपको इतना पीछे खींचेंगे कि आप अपनी तैयारी को छोड़ के कहीं दूसरे फील्ड में चले जाएंगे। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ इन चीजों पर ज्यादा बिलीव ना करें, चुपचाप आप जो कर रहे हैं उसको करते रहें पढ़ाई। बाकी देखिए मेरा पर्सनल सुझाव है, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी आप पर है आप क्या सोचते हैं क्या आगे बढ़ते हैं आप पर डिपेंड करता है, बाकी मैं आपको यही कह सकता हूँ। बाकी देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब से मैंने इस चैनल को बनाया, जब से मैं आपको वीडियोज ऐसे डिलीवर करते आ रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी बहुत गलत गलत कमेंट्स करते हैं या मुझे बहुत कुछ कह देते हैं, तो उनको मैं रिप्लाई करना भी जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे जलने वाले या पीछे खींचने वाले लोग बहुत मिलते हैं। मैं तो जो है अपने इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा ऑथेंटिक न्यूज या ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। मेरा आप एक भी वीडियो ऐसा नहीं देखेंगे जिसमें मैंने कोई फालतू चीज उससे डिस्कस किया हो या फालतू लैंग्वेज का यूज किया हो। बाकी देखिए ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस चैनल से या मुझसे तो हम मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। मैंने अपना कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन रखा है, आज तक किसी वीडियो में मुझसे हटाया नहीं, ना ही लाइक और डिसलाइक का बटन हटाया। तो आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हैं, आप वहां अपने कमेंट्स जो है मुझे दे सकते हैं, और अगर आपको मुझसे पर्सनली मिलना है मुझसे बात भी करना है तो आप जो है मुझे एक मेल कर सकते हैं, मैं मेल आईडी अपनी दे दूंगा, तो वहां से मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पर्सनली मिलिए, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ गलत कमेंट्स करना वो सही नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छात्र जो है यहाँ पे वीडियोस देखते हैं और कमेंट्स भी पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये जो है एसीएफ से रिलेटेड ही है और इसे पूछा गया है वेद साहू जी के द्वारा। देखिए इनका प्रश्न है कि एसीएफ एग्जाम जो होगा क्या इसमें कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा कि नहीं? तो मैं बता देता हूँ भाई, देखिए यहाँ पे आपका जो है कलर ब्लाइंडनेस जो है इससे रिलेटेड कोई टेस्ट नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जो है लास्ट प्रश्न जो है इसे हम देख लेते हैं। देखिए ये पूछा है संदीप कारीगर जी के द्वारा। देखिए इनका प्रश्न है कि पीजीडीसीए के साथ जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए आप जनरली पीजीडीसीए के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कर सकते हैं, बहुत सारे छात्र जो है यहाँ पे बिलासपुर की बात करूं तो पीजीडीसीए करते ही रहते हैं, साथ ही साथ जो है आप देखेंगे बिलासपुर यूनिवर्सिटी हो गया या किसी और यूनिवर्सिटी से वो अपना जो है मास्टर्स भी करते रहते हैं किसी भी स्ट्रीम से। तो देखिए ये बहुत कॉमन सी चीज है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो है आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर जो है काफी डिटेल में देने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।